हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। एज्यूम दैट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अ इक्वल मासेस। मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज 1.6 इनटू 10 टू -27 केजी। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1.6 इनटू 10 टू 27। ओके, एंड रेडियस कितना दे के रखा हुआ है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना देख रहा है, 1.5 इनटू 10 टू -15 इनटू ए रेज टू 1/3 मीटर। देन अप्रोक्सिमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी टू वाटर डेंसिटी। हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, हम लोग न्यूक्लियस का डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, देन क्या निकालेंगे, वाटर का डेंसिटी। वैसे हमें पता है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देंगे, मुझे मिल जाएगा आंसर। और आंसर किस फॉर्म में चाहिए मुझे यहाँ पे, एन इंटू 10^13, मतलब 10^13 में चाहिए, जो मल्टीपल आएगा हम उसको बोलेंगे एन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी निकालना है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया, पहले लिख लेते, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है, और इसका वैल्यूज कितना आपके पास, 1.6 इंटू 10^-27 केजी। ओके, और रेडियस कितना देकर रखा है, इस 1.5 इंटू 10^2 हमस -15 इंटू ए रेस टू 1/3, वेर ए इज द मास नंबर्स। ओके, अब बताओ मास कितना होगा टोटल, मास इज नथिंग बट मास नंबर इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल। मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये मेरे लिए एम है। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मास ऑफ वन पार्टिकल्स मैं आपको मेंशन भी करा था, जिसको नहीं पता रहेगा, ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ए इंटू एम। क्लियर, मैंने इन दोनों के मास को एम कंसिडर किया है। ठीक है, चलो अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना होगा, ए इंटू स्मॉल एम। वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर का वैल्यूज है मेरे पास, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ पे, यस पुट करके देखो कितना आ रहा है, इट इज ए इनटू एम 4/3 पाई आर, कितना है, इट्स आर का वैल्यूज, ठीक है, आर का वैल्यूज कितना है, इज 1.5 इंटू 10^-15 इंटू ए रेस टू 1/3 का क्यूब। ओके, ध्यान से देखो, ये 3 ऊपर ले लेता हूँ, कितना होगा, 3 टाइम्स a इंटू एम डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 10^-15 दी क्यूब इंटू a, a रेस टू 1/3 और क्यूब कैंसल, तो इसका सेपरेट क्यूब और इसका सेपरेट क्यूब, तो a का रेस टू 1/3 कैंसल हो जाएगा a। अब ये a और ये a क्या होगा, कैंसल हो गया। कैंसल होने के बाद अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ओके, a 3 इंटू मास, मास मतलब प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास सेम ही है, कितना दिया ये 1.6, सॉरी 3 टाइम्स है ये। ठीक, चलो तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 3 टाइम 1.6 इंटू 10^-27 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1.5, दैट इज, ठीक, 3.4 इंटू कितना रहा है ये, 1.5 इंटू 10^-15 दी होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का जो आंसर आता है 0.113 इंटू 10^ कितना आता है, 18 आता है। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आएगा 0.113 इंटू 10^18। ठीक है, इसका क्यूब करना, जो भी आएगा डिवाइड कर लेना। ठीक है, चलो तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इतना आ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 10^3, ये भी किसमें है आपके पास, केजी पर मीटर क्यूब में, और ये भी कितना है, केजी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने सारे वैल्यू कौन से पुट किए थे, एसआई यूनिट, तो ये आंसर भी एसआई यूनिट में है। मुझे चाहिए क्या, इनका रेशियो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों को डिवाइड किया, कितना बचा आपके पास, 0.113 इंटू 10^2 कितना बचाएगा, इज अ 15, इसको लिख सकता हूं 11.3 इंटू 10^2 कितना आएगा, 13। तो 11.3 को अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूं मैं, 11, तो इस 11 इंटू 10^2 योर 13, योर वैल्यू ऑफ n विल बी, n का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे डेंसिटी कितना, रेशियो ऑफ डेंसिटी कितना, n इंटू 10^13, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, 11 इंटू 10^13, सो दैट मैं बोल सकता हूँ कि
कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ योर एन, एन का वैल्यूज कितना है 11, योर आंसर विल बी 11। क्लियर समझ में? ओके स्टूडेंट, में कंफ्यूजन क्या रहेगा आप याद रखना, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस आपको लिखने आना चाहिए। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल है उन सबका टोटल मास। तो मैंने क्या किया, मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, अब मास ऑफ वन पार्टिकल में याद रखना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्वेश्चन में दिया रहे नहीं दिया रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मास नंबर क्या आएगा, ए एटॉमिक मास नंबर इनटू मास ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गया मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी के मामले में सबस्टिट्यूट कर लो और वहां पे फिर रेडियस पुट कर देना। ठीक है, चलो समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।